बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, एक चलिए माहौल बनाने के लिए एक शेर सुनाते हैं। मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे चलो थोड़ा हम आगे चलें, थोड़ा तुम आगे चलो थोड़ा हम आगे चलें, बाद में रिक्शा कर लेंगे। अच्छा, एक ट्रेन छूटी है, एक ट्रेन छूटी बॉम्बे सेंट्रल से, फुल स्पीड में ट्रेन जा रही है, ट्रेन भी हिल रही, पैसेंजर भी हिल रहे हैं। आपको मालूम सब लोग हिलते हिलते बात करते हैं ट्रेन के अंदर। एक लड़की है, अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, सुनो ए उसका बॉयफ्रेंड, हाँ बोलो, मेरे हाथ में ना, मेरे हाथ में दर्द है। अच्छा, हाथ इधर ला, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। सुनो, मेरे गाल में भी दर्द है। अच्छा, गाल इधर ला, ठीक हो जाएगा। ऊपर एक चाचा सो रहे थे, वो सडनली जाग गए, जाग के बोले, अच्छा बेटा पाइल्स का भी ट्रीटमेंट करते हो क्या? अभी अपने मुंबई में अभी 2 महीने पहले जबरदस्त बाढ़ आ गई थी, जगह जगह पानी भर गया था। जब बहुत पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती, तो टीवी वाले हमेशा फौरन कैमरा लेके निकल जाते हैं न्यूज बनाने के लिए। अब देखिए, जो लोग पानी में डूबे हैं उनसे टीवी वाले बात करते हैं और साथ में कैमरे की आवाज भी आती है। देखिए कैसे, हेलो आप ही बताइए, ये जो बाढ़ आई है आपका कोई नुकसान हुआ? हाँ बोलिए बोलिए, आप बताइए, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बताइए। अब पहली बार आदमी टीवी के सामने गांव का, साहब आप लोग ऐसे रात को बैठे रहे, हम गजोधर मिश्रा और यादव, हम लोग साहब ऐसे बैठे रहे तो खैनी उनी खाते रहे, तो धीरे धीरे पानी आना शुरू हो गया साहब, तो पानी पहले ऊपर से आया, बौछार आया, तो हम पांडे से कहा देखो बरसात हो रहा, कहने नहीं 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 चौथे माले से कोई थूका है। धीरे धीरे साहब पानी बढ़ने लगा, हमारी पहले पहले पानी हमारे पैर की उंगली में छुआ तो ठंडा ठंडा लगता रहा, पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, हमारी धोती में घुसना शुरू हो गया साहब, जैसे साहब पानी और ऊपर बढ़ा बहुत गुदगुदी लगता रहा। देखते देखते साहब पूरे गांव में बाढ़ पानी हो गया, पानी हमारी बुढ़ी माँ डूब रही थी, हमारी बीवी डूब रही थी, गांव वाले बोले बुढ़ी माँ को बचाओ, तुम्हारी जवान बीवी को तो कोई ना कोई बचा ही लेगा। टीवी वालों ने एक लेडी को पूछा, हेलो हाँ मैडम आप बताइए, जो बाढ़ आई है आपका कोई नुकसान हुआ? हाँ बताइए। ऐसा भैया, हमारा जितना सामान खो गया रहा वो तो मिल गया है, हमारे मरद नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, दिखने में कैसे? दिखने में तो रहे एकदम हीरो, लंबे चौड़े, लंबाई 6 फुट 2 इंच, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, दूर से देखे तो जैकी सराफ। उसकी सहेली बोली, ए भौजी झूठ क्यों बोलती है, तेरा मरद तो बुटका टकला बुढ़ा है ना, चुप, अभी ये लोग ढूंढेंगे तो अच्छा ढूंढेंगे। फिल्म स्टार्स का इतना क्रेज होता है सबका, राजेश खन्ना का जमाना याद कीजिए, ओहो पॉपुलरिटी, बच्चन साहब का सबसे लंबा पीरियड, शाहरुख खान की स्ट्रांग पोजीशन, सब अपने अपने समय। मैं अभी दिल्ली गया, देखिए दीवानगी लोगों की, एक लड़की मुझसे आके बोली, एक्सक्यूज मी राजी जी आप ऋतिक को मिले, देखा आपने, ओह माय गॉड दिखने में कैसे, सेम आदमी जैसा। जिनकी अच्छी बॉडी होती है वो सलमान खान और संजय दत्त के फॉलोअर होते हैं, वो ऐसे मिलने आते हैं, राजू भाई ऐसा लगता है यहां लकड़ी की खपच्ची लगी है। अगर फिल्म स्टार खुद शॉपिंग में जाएं, खुद खरीदारी करें, तो लोग देखिए कैसे खुश होंगे और कैसे चौंकेंगे। सपोज धर्मेंद्र को टाई खरीदना है, तो टाई लेने के लिए धर्म जी एक शॉप में आ रहे हैं, तो धर्मेंद्र को अपनी दुकान में आते देख के सेल्समैन, ए प्रकाश अरे धर्मेंद्र लग रहा है यार, अरे कसम से यार पिक्चर में आता कसम से, अबे हीरो, अरे उसका सनी सनी का बाप यार कसम से, इसका बहुत पिक्चर देखा है, ऐसी लगा था इसी लगा पीछे पीछे मैं बात करता है, धर्मेंद्र रे नमस्ते, नमस्ते साहब, साहब असली कुत्ते कमीने, असली असली कुत्ते वाला सोच गए असली, साहब को क्या चाहिए, साहब क्या चाहिए, मां कसम साहब को दमा है, दमा कुत्ते, अच्छा आवाजिए साहब, मुझे टाई चाहिए, कोई अच्छी टाई दिखाइए, ए गणेश डब्बा फिट टाई, हीरो है डब्बा फिट, एक टाई पसंद आई, हाँ ये बहुत अच्छी है, ये कितने की है? ये साहब है 1000 रुपए की। कुत्ते लूटते हो, हमारे पंजाब में 1000 रुपए फर्स्ट क्लास शूज आते हैं, आते होंगे साहब, मगर आप जैसा बड़ा आदमी गले में जूता डालेगा अच्छा नहीं लगेगा। वो चले गए शॉपिंग के लिए, निकले अनिल कपूर, अब अनिल कपूर को टोपी खरीदना है, तो टोपी ले अनिल एक शॉप में आया, शॉप में घुसते बोले अरे मुझे कैप चाहिए,
क्या बोला, एकदम छकास। अरे कोई कैप दिखाइए, कोई अच्छी दिखाइए, दिखाइए। दिखा रहे, मुंडी एक जगह रखो, ये लीजिए, कोई और ये लीजिए, कोई और ये लीजिए। 400-500 कैप देखी, एक पसंद आई, ये बहुत अच्छी है, ये कितने की है, ये फोकट में है, पहन लो निकल लो, दोबारा इधर दिखना नहीं। क्यों, क्या हुआ, आजकल तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है।